कांचे ही बासे के बहंगिया बहंगी लचे करते जा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कुकिंग एजीआर में। आज मैं देखिए छठ पूजा स्पेशल खास्ता बनाने जा रही हूँ। तो एक बार आपको प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय, क्योंकि छठ मैया की महिमा अपरंपार है। तो फ्रेंड्स देखिए, खास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरा आटा लिया है गेहूं का, और इसमें एक कटोरा में मैदा ऐड कर देंगे। अच्छे से दोनों को मिक्स कर देंगे। यहां मैंने छोटे कटोरा से एक कटोरा नारियल का बुरादा लिया है, इसको भी इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने देखिए काजू लिया ड्राई फ्रूट्स में, आप चाहे तो सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ सिर्फ काजू ही डालूंगी। अच्छे से इसे भी मैं मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें मोयन डालूंगी। मैंने गाय का शुद्ध घी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मैन डालना है क्योंकि ये खास्ता है, तो बढ़िया सा खास्ता बनेगा ये। अच्छे से आटे में घी को मिक्स कर देना है इस तरह से। देखिए दोनों हाथों से मसल मसल के अच्छे से मैन को मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैन लगा दिया है अच्छे से आटे में। इस तरह से आप मुट्ठी बांधिएगा, एकदम परफेक्ट देखिए मैन है, टूट नहीं रहा ये। यहाँ पे मैंने चीनी लिया हुआ है, 250 ग्राम चीनी है ये। इसे मैंने चीनी डूब जाए बस इतना ही पानी डाला था। अब इसको डालकर मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी और इसका एक घोल लगा लूंगी। इस तरह से देखिए हल्के हाथ से डो को लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइटली, चपाती के आटे के जैसे इसको बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, नहीं तो ये खास्ता नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए हल्के हल्के हाथों से इसको एक तरह समेट लेना है बस। देखिए आटे को मैंने समेट के एक तरफ कर लिया है। अब इस तरह से आपको जितना बड़ा बनाना है इस तरह से लेना है, हाथों से इस तरह से मुंडी बना लेना है। ये सांचा है, इसमें इस तरह से रख देना, लंबा गोल जैसा भी आपको बनाना है। देखिए इस तरह से इसे आप बिना सांचे के भी बना सकती है, फोक की सहायता से, या फिर जो छन्नी होता है ना जिससे हम लोग पूरी छानते हैं उससे भी कर सकती हैं। देखिए इस तरह से लेके इसको दबा देना है, बहुत ही अच्छा सा डिजाइन इसमें उभर के आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे खास्ते को बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कढ़ाई मैंने यहाँ घी डाल दिया है, आप घी तेल किसी में भी फ्राई कर सकती है, और मैं एक एक करके खास्ते को इसमें डाल दूंगी। गैस का फ्लेम धीमा रखना है। जैसे एक तरफ से थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाएगा मैं इसे पलट देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स पसंद आए रेसिपी तो लाइक जरूर करिएगा और छठ मैया की जय जरूर बोलिएगा। तो देखिए यहाँ हमारे खास्ता बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अच्छे से खास्ता हमारे फ्राई हो गए हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे खास्ते को डालकर फ्राई कर लूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए बन के तैयार हमारा छठ पूजा स्पेशल खास्ता। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।